नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटोस्क के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं नोएडा एयरपोर्ट से, जहां पर दोस्तों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसके ऑपरेशंस के एक स्टेप और क्लोजर पहुंच चुका है, क्योंकि अभी इस एयरपोर्ट पर पहली कैलिब्रेशन और टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट कर लिया गया है। दोस्तों बेसिकली ये एक टर्बोप्रोप एयरक्राफ्ट फ्लाइट थी, जिसको इस एयरपोर्ट की इंफ्रा कैपेबिलिटीज को चेक करने के लिए कंडक्ट किया गया था। टेस्ट फ्लाइट के बाद हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा खुद ये कहा गया है कि जो ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन सिस्टम्स है वो प्रॉपर्ली भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, और जिस हिसाब से भी यहाँ पर काम चल रहा है, पूरी उम्मीद है कि इसी साल के अंदर अंदर मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के अंत तक इस एयरपोर्ट का पहला फेज आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली मेट्रो के अंतर्गत बहुत जल्द एक और मेट्रो लाइन को अप्रूवल मिल जाएगी, क्योंकि अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली मेट्रो की एक और मेट्रो लाइन को उनके 100-day प्लान में इंक्लूड कर लिया है। दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ब्यूरोक्रेट्स को यह कह रखा है कि वो अगली सरकार के लिए एक 100-day प्लान बनाए, जहाँ पर बड़े स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रूवल्स दी जाएंगी, जिसका हम भी इंतजार कर रहे हैं। उसको लेकर टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ इंसाइट्स आती रहती हैं। अभी जैसे कि ये मेट्रो की आई है, दिल्ली के रिठाला से हरियाणा के कुंडली के बीच में मेट्रो लाइन बननी है, जिसकी लेंथ अराउंड 29 किलोमीटर के आसपास होगी। 22 मेट्रो स्टेशन भी इसमें बनाए जाएंगे, एलिवेटेड और एड ग्रेड का ये मिक्स होगा, और ओवरऑल ये ऐसी फोर्थ मेट्रो लाइन होगी जो कि हरियाणा में एंटर करेगी, क्योंकि इससे पहले येलो लाइन गुरुग्राम में, वायलेट लाइन फरीदाबाद में, ग्रीन लाइन बहादुरगढ़ में, जबकि ये जो कि एक तरह से रेड लाइन का एक्सटेंशन होगा वो कुंडली में एंटर करेगी। 7,500 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जा रही है, और ये दिल्ली मेट्रो के फेज़ 4 का ही एक हिस्सा होगा। इसके अलावा थाने MRTS, पुणे मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो, यहाँ पर भी कुछ मेट्रो लाइन्स को अप्रूवल दी जानी है। अगली दोस्तों अपडेट हमारी DRDO से है, जहाँ पर दोस्तों DRDO ने निर्भय लॉन्ग रेंज सबसोनिक इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्रूज मिसाइल की फ्लाइट टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट कर ली है, और अभी DRDO कहना है कि ये सक्सेसफुली कम्प्लीट भी हुआ है और सभी के सभी पैरामीटर्स पर खड़ा भी उतरा है। दोस्तों इस मिसाइल की डिटेल्स और स्पेसिफिकेशन सामने नहीं रखी गई है, लेकिन उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में टेस्ट कंडक्ट किया गया था, जहां पर टेस्टिंग के दौरान अलग अलग सेंसर्स जैसे कि रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, टेलीमेट्री, इन सब चीज़ों को डिप्लॉय किया गया था, जिन्होंने टेस्ट को पूरी तरह से मेजर किया है, और हर एक सेंसर में पाया गया है कि टेस्ट सही से कंडक्ट हुआ है। इससे पहले कि इसको हमारी सर्विस में इंडक्ट किया जाए, अभी DRDO उसके कई सारे और ट्रायल्स लेगी, और मोस्टली आगे चलकर आपको ऐसी और अपडेट्स देखने को मिलेंगी। अगली दोस्तों अपडेट हिंदुस्तान शिपयार्ड से है, जहाँ पर दोस्तों हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा हमारी इंडियन नेवी के लिए फ्लीट स्पोर्ट शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया गया है, और मोस्टली इसके अंतर्गत आपको 2 से 3 साल के अंदर अंदर नेवी के लिए इन शिप्स की डिलीवरी भी स्टार्ट होती दिखाई देगी। दोस्तों थोड़ा सा इसका मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझाऊं, तो पिछले साल ही अगस्त के दौरान हमारी मिनिस्ट्री डिफेंस ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में एक MOU साइन किया था, जहां पर 5 फ्लीट स्पोर्ट शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग की जानी थी। 19,000 करोड़ रुपये इसका एक कॉन्ट्रैक्ट है, और अभी यहाँ पर जो शिप्स मैन्युफैक्चर की जाएंगी ये एक टाइप की सपोर्टिंग शिप्स होंगी, जो कि सी में हमारी नेवी की जो बड़ी शिप्स हैं उनको सपोर्ट करेगी। इनके थ्रू फ्यूल, वाटर, एम्यूनिशन, स्टोर्स, इस तरह की चीज़ें बड़ी शिप्स को सप्लाई की जाएंगी, और इवेंचुअल कह सकते हैं कि ओवरऑल इनके चलते हमारी नेवी की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है वो इन्हांस ही हो पाएंगी। अभी क्योंकि इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का कहना है कि 2027 में मिड तक, जून जुलाई के आसपास इनकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी, और उसके अगले हर 10 महीने बाद एक एक शिप हमारी नेवी को डिलीवर होती रहेगी। अगली दोस्तों अपडेट इंडियन हेल्थ केयर फर्म फोर्टिस हेल्थ केयर से है, जहाँ पर दोस्तों उनके हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपांड करते हुए फोर्टिस ने अभी देश में एक और हॉस्पिटल सेटअप कर दिया है, और इसको उन्होंने बेंगलोर के पास नगर भावी में सेटअप किया है। दूसरे हॉस्पिटल वैसे एक छोटा हॉस्पिटल है, जिसकी बेड कैपेसिटी 80 बेड्स के आसपास है। अगले कुछ हफ्तों के अंदर अंदर इसकी कैपेसिटी को बढ़ाकर 100 बेड्स के आसपास कर देंगे। 6 से 7 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर फोर्टिस के द्वारा खर्च किए गए हैं, और वैसे ये उनके एक पूरे बड़े प्लान का हिस्सा है। उनका टारगेट है कि अगले 5 से 7 साल के अंदर अंदर वो उनकी ओवरऑल बेड कैपेसिटी को 4500 बेड से इंक्रीज करके 10,000 बेड्स के आसपास कर देंगे, और इसी के अंतर्गत बहुत सारे नए हॉस्पिटल्स को देश में सेटअप करने वाले हैं, जिसका एक हिस्सा भी हमें बेंगलोर में देखने को मिल रहा है। अगली दोस्तों अपडेट कोची वाटर मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों कोची वाटर मेट्रो भी अभी और एक्सपांड होने वाली है, क्योंकि कोची वाटर मेट्रो के अंतर्गत फोर्ट कोची टर्मिनल को बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है। दोस्तों कोची वाटर मेट्रो काफी यूनिक और सक्सेसफुल कंसेप्ट रहा है अभी तक, जहाँ पर टोटल 16 लाइन्स बनाई जानी है। अभी 4 लाइन्स यहाँ पर ऑपरेशनल है, और 9 टर्मिनल्स यहाँ पर एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। ओवरऑल कह सकते हैं कि ये 10th टर्मिनल होगा जो कि अभी ऑपरेशनलाइज होगा। हाई कोर्ट टर्मिनल से फोर्ट कोची टर्मिनल के बीच में अभी वाटर मेट्रो ऑपरेट करने की बात की जा रही है, और क्योंकि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने यहाँ पर ओवरऑल 14th वाटर मेट्रो डिलीवर भी कर दी थी, तो यहाँ पर जो ट्रायल रन थे वो भी सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए गए थे। अभी आप कह सकते हैं कि ऑपरेशनलाइजेशन के लिए ये पूरी तरह से तैयार है। हर 20 से 30 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर यहाँ पर आपको वाटर मेट्रो ऑपरेट होती दिखाई देगी, और मोस्टली कल इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट अडानी ग्रुप से है, जहाँ पर दोस्तों उनके सीमेंट बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए अडानी ग्रुप ने प्लान किया कि वो माई होम ग्रुप का एक सीमेंट यूनिट प्रक्योर कर लेंगे, और ये काम वो उनकी सब्सिडरी कंपनी अंबुजा सीमेंट्स के थ्रू करने वाले हैं। दोस्तों इस सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट
तमिलनाडु के तूतीकोरिन में लोकेटेड है, जिसकी कैपेसिटी अराउंड 1.5 मिलियन टन पर एनम के आसपास है। बेसिकली डाइनिंग ग्रुप का प्लान है कि वो उनके सीमेंट बिजनेस को सदर्न स्टेट्स में ओवर एक्सपांड करेंगे, स्पेसिफिकली तमिलनाडु और केरल में, क्योंकि अभी यहाँ पर इनकी रीच इतनी ज्यादा नहीं है। और इसी के लिए ही ये नया सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट इन्होंने एक्वायर किया है। 414 करोड़ की ये डील है, जिसके चलते इसको अडानी ग्रुप पूरी तरह से टेक ओवर कर लेगा। 61 एकड़ के एरिया में प्लांट फैला है, और क्योंकि माई होम ग्रुप ने ऑलरेडी कई सारे क्लाइंट्स के साथ में यहाँ पर अग्रीमेंट साइन कर रखे हैं, तो एक बार जब अडानी ग्रुप इसको एक्वायर कर लेता है तो उसके बाद इनको बिना किसी मेहनत के ही कई सारे क्लाइंट्स मिल जाएंगे, और वो भी स्पेसिफिकली हमारे देश के सदर्न पार्ट में। और होपफुली आप कह सकते हैं कि यहाँ से इनका प्लान आगे और एक्सपांड होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट गिफ्ट सिटी से है, जहाँ पर दोस्तों हमारे देश की लोकल फर्म्स भी गिफ्ट सिटी में लगातार उनके ऑफिस को सेटअप करने में लगी हुई हैं। और अभी इंडियन जायंट विप्रो ने अनाउंस किया है कि वो गिफ्ट सिटी में उनका एक नया सेंटर सेटअप करने जा रहे हैं। दोस्तों विप्रो का ऑफिशियल प्लान था कि वो गिफ्ट सिटी में एक फिनटेक सेंटर सेटअप करेंगे, जिसके लिए उन्होंने IFSCA के पास में प्रपोजल भी भेजा था, और अब उसको अप्रूवल भी मिल गई है। और अभी पिछले कुछ समय से मैं लगातार ये देख रहा हूँ कि गिफ्ट सिटी में कई सारे नए फिनटेक सेंटर्स को अप्रूवल मिल रही है, जिसके लिए जो ओवरऑल ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स है वहां पर गिफ्ट सिटी की रैंक लगातार बढ़ती जा रही है। अभी जो अप्रूवल विप्रो के इस फिनटेक सेंटर को दी गई है वो टेकफिन फ्रेमवर्क के अंतर्गत दी गई है, जिसके चलते विप्रो जो फिनटेक सेंटर गिफ्ट सिटी में सेटअप करेगा वहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। इन्वेस्टमेंट तो नहीं बताई गई है कितनी इन्वेस्टमेंट आगे इनके द्वारा की जाएगी, लेकिन इनिशियली 100 के आसपास लोगों को ये हायर करेंगे, और कुछ ही महीने के अंदर अंदर इनका ये हेड काउंट 1000 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट लखनऊ से है, जहाँ पर दोस्तों लखनऊ में पार्किंग प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए लखनऊ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने प्लान किया है कि वो लखनऊ के अलग अलग क्राउडेड एरियाज में मल्टीपल पार्किंग लॉट्स को डेवलप करेंगे, और अभी एक दिल्ली बेस्ड फर्म को उन्होंने एज अ कंसल्टेंट हायर किया है। दोस्तों पार्किंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको हमारे देश की सभी बड़ी सिटीज में देखने को मिलेंगी, चाहे वो फिर मुंबई हो या फिर वो लखनऊ हो। अभी ऑलमोस्ट 77 पार्किंग लॉट्स के लिए प्लान सामने रखा गया है, जिनको लखनऊ के क्राउडेड एरियाज में बनाया जाएगा, ताकि क्राउडेड एरियाज में जो पार्किंग की प्रॉब्लम है वो तो रिड्यूस हुई हो, साथ साथ क्राउडेड एरियाज में अभी पार्किंग के कारण जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम आती है वो भी एक बार में ही खत्म हो पाए। अभी जो कंसल्टेंट हायर किया गया है वो इन सभी लोकेशंस का सर्वे करेगा, जहां पर ये देखा जाएगा कि कौन कौन से एरियाज में नए पार्किंग लॉट्स बनाने चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग अंडर यूटिलाइज पार्किंग लॉट्स हैं उनको भी प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए देखा जाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट कानपुर से है, जहां पर दोस्तों हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फाइनली कानपुर के मंदना फ्लाईओवर को ओपन कर दिया है, और इस 6 लेन के फ्लाईओवर के चलते कानपुर से दिल्ली की कनेक्टिविटी और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। तो उसे फ्लाईओवर GT रोड के ऊपर बनाया गया है, जिसकी लेंथ अराउंड 3.5 किलोमीटर के आसपास है। वैसे हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 3,500 करोड़ रुपये स्पेंड करके GT रोड का अलीगढ़ कानपुर सेक्शन को वाइडन कर रही है, जो कि अराउंड 284 किलोमीटर लंबा है, और उसी के अंतर्गत ही ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ है। और अगर आप कह सकते हैं कि इस पूरे वाइडनिंग प्रोजेक्ट में ये लास्ट हिस्सा था जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, इसके कंप्लीट होने के चलते ये पूरा का पूरा जो रोड वाइडनिंग का प्रोजेक्ट है वो 5-6 सालों के अंदर अंदर अभी कंप्लीट हो चुका है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फ्लाईओवर के चलते दिल्ली से कानपुर के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर होगी, तो ऑलमोस्ट दोनों सिटीज के बीच में ट्रैवलिंग डिस्टेंस 90 किलोमीटर के आसपास रिड्यूस होगा। और साथ साथ कानपुर में जो मंदना इंटरसेक्शन है वहाँ पर अभी जो ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो भी आपको कम होती हुई दिखाई देगी। तो सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।